हेलो गाइस, वेलकम टू धनुका क्रिकेट मी। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इंसेक्ट माउथ पार्ट। तो अपन पहले देखेंगे इंसेक्ट माउथ पार्ट क्या होता है, फिर उसके टाइप्स या उसके मॉडिफिकेशन देखेंगे। बाकी जो इस चैनल पे अभी नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपन इंसेक्ट माउथ पार्ट। अब इंसेक्ट माउथ पार्ट की बात करें तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है, फूड को अपटेक करना या फूड को लेना। जो कि फूड पार्टिकल्स बड़े होते हैं तो उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में थोड़ा ब्रेक किया जाता है ताकि वो अंदर जाने में आसानी हो। अब टिपिकल इंसेक्ट की बात करें, अपन ग्रासोपर की बात करते हैं, तो आप इनके माउथ पार्ट को देख सकते हैं। जो ऊपर का आगे का फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं लेब्रम। आप इस स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं, कुछ इस तरह का बेसिक स्ट्रक्चर होता है लेब्रम का। और साइड में आप देख सकते हैं ये मैंडिबल्स जो कि क्लोज हैं, और ये आप यहाँ देख सकते हैं मैंडिबल्स जो कि ओपन है, कुछ इस स्ट्रक्चर का होता है जो कि क्या करते हैं, फूड पार्टिकल्स को ब्रेक करते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इनका, मैगजिला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा मैगजिला, जो छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड हैं। और जो नीचे का लोअर पार्ट है उसको हम कहते हैं लेबियम या लोअर लिप। तो वो क्लियरली नहीं दिख रहा है बट उसके हम सेगमेंट्स को देख सकते हैं, यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो ओवरऑल कुछ ऐसा होता है इंसेक्ट का एक टिपिकल माउथ पार्ट। अब बाकी का जो माउथ पार्ट होते हैं, चाहे वो सकिंग टाइप हो चाहे वो हाउसलेट टाइप हो, वो इन्हीं का मॉडिफिकेशन रहता है अकॉर्डिंग टू देयर फूड, अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। तो चलिए अब आगे अपन देखते हैं इनके टाइप्स और इनके मॉडिफिकेशन। बात किया जाए टाइप्स ऑफ इंसेक्ट माउथ पार्ट की या मॉडिफिकेशन की, तो मेनली इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, जो कि सॉलिड फीडर्स होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इनके मेन एग्जाम्पल हैं ग्रास हॉपर्स और कॉकरोच। साथ ही जो लेपिडोप्टेरन्स के कैटरपिलर होते हैं या कोलियोप्टेरन्स एडल्ट होते हैं या ग्रब होते हैं, उनके भी जो माउथ पार्ट होते हैं उनका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, ठीक है। अब सेकेंड जो मेन कैटेगरी है वो है आपका सकिंग टाइप या हाउसलेट टाइप। अब सकिंग टाइप से मतलब आप समझ सकते होंगे ये लिक्विड फूड को अपटेक करते हैं। तो बाकी इनका और सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है वो अपन क्लियरली देखते हैं। फर्स्ट है आपका पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। तो ये स्पेशली प्लांट वर्क्स में या मॉस्किटो में प्रेजेंट होता है। जो इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है वो आगे डिस्कस करेंगे अपन क्लियरली। सेकेंड है आपका रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप, जो कि थ्रिप्स में पाया जाता है। इसको हम एसिमेट्रिकल टाइप ऑफ माउथ पार्ट भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से उठता है। अब थर्ड है आपका स्पॉन्जिंग टाइप। स्पॉन्जिंग से मतलब समझ में आता है स्पंज के आकार का, ठीक है। तो ये करते हैं, ये लिक्विड फूड को सोख लेते हैं। तो ये स्पेशली एडल्ट हाउस फ्लाइज में पाया जाता है, बाकी अदर इंसेक्ट में भी पाया जाता है, बट ये मेन एग्जाम्पल ये आपको याद रखना है। फोर्थ च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप, जो कि स्पेशली हनी बी में पाया जाता है, जो कि क्या करते हैं, नेक्टर अपटेक करते हैं। और फिफ्थ है आपका सिफोनिंग टाइप, जो कि बटरफ्लाई एंड मॉथ्स में पाया जाता है। सिफोनिंग मतलब क्या होता है, चुभाना, स्पेशली लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट करते हैं। अब ये तो थे दो मेन कैटेगरी। अब तीसरा भी टाइप है लेकिन वो अदर टाइप है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट जान लेते हैं उसको भी। एक होता है आपका मास्क टाइप, जो कि ड्रैगन फ्लाई के नायट्स में प्रेजेंट होता है या डेमसल फ्लाई के। तो ये नायट्स क्या होते हैं, ये एक्वेटिक लार्वा होते हैं, किसके, ड्रैगन फ्लाई के, जो थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है उसको हम मास्क टाइप बोलते हैं। सेकेंड है आपका डी जनरेट टाइप, जो कि मैगट्स में पाया जाता है, मतलब डिप्टेरा के जो लार्वा है उनमें ये प्रेजेंट होता है। अब डिप्टेरा के लार्वा को हम क्या कहते हैं, मैगट्स कहते हैं। एक और माउथ पार्ट है जो मैंने मेंशन नहीं किया है, वो है आप मैंडिबुलो सेक्टोरियल टाइप ऑफ माउथ पार्ट। ये जो है आपका एंट लॉयन के ग्रब में प्रेजेंट होता है। तो ये वाला माउथ पार्ट आगे हम इसको क्लियरली डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो पहला जो स्ट्रक्चर है वो आपका बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। इसका मेन एग्जाम्पल बस आपको याद रखना है कॉकरोच एंड ग्रास ऊपर, ठीक है, जो कि सॉलिड फीडर्स हैं। अब इनमें कुछ फॉलोइंग पार्ट्स पाए जाते हैं वो अपन क्लियरली देखते हैं। फर्स्ट है आपका लेब्रम, जिसको हम अपर लिप भी कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ही बना हुआ है, यहाँ पे भी ये रहा लेब्रम और यहाँ पे भी। तो आप लेब्रम के ऊपर देख रहे होंगे क्लाइपियस, ये क्या है, स्क्लेराइट है। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये रहा आपका स्क्लेराइट, जो कि लेब्रम से अटैच रहता है। अब लेब्रम का मेन काम क्या रहता है, फूड को क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, ताकि जो बगल में मैंडिबल्स आप देख रहे हैं ये उसमें एक्ट कर सकें, ये फूड को ब्रेक कर सकें। दूसरा इनका मेन काम क्या रहता है, ये मैंडिबल्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। आप देख सकते हैं ये सामने में है लेब्रम और पीछे में है आपका मैंडिबल्स। और देखा जाए तो ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब चपटे आकार का होता है, जो कि ऊपर का माउथ कैविटी को पूरा कवर करके रखता है, ये आप देख सकते हैं। अब अपन सेकेंड देखते हैं लेब्रम या एपीफेरिंग्स, जो कि किसका पार्ट होता है, लेब्रम का ही पार्ट होता है, जो कि इनर सर्फेस पर प्रेजेंट होता है ये पीछे की ओर। और ये मेम्ब्रेनस होता है, और मेन इसका काम क्या रहता है, ये ऑर्गन ऑफ टेस्ट कहलाता है। तीसरा जो मेजर पार्ट है वो है मैंडिबल्स, जो कि पेयर में प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हैं ये मैंडिबल्स हैं जो कि पेयर में प्रेजेंट हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। इसको हम ट्रू जॉ भी कहते हैं या प्राइमरी जॉ भी कहते हैं, ठीक है, ये जबड़े का काम करता है।
अब मैंडिबल्स हैं जो अब मैंडिबल्स हैं वो दो रीजन में डिवाइड रहते हैं। ऊपर का जो रीजन होता है उनको हम बोलते हैं ग्राइंडिंग रीजन, और नीचे का जो रीजन होता है उसको बोलते हैं इनसीजिंग रीजन। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे टीथ लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं जो कि फूड को काटने और फूड को पीसने में हेल्प करते हैं। तो मैंडिबल्स का ओवरऑल काम क्या होता है, फूड को ब्रेक करना, ठीक है, छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करना और काटना। अब फोर्थ नंबर देखते हैं मैक्सिली, ठीक है, ये भी पीयर में प्रेजेंट होता है। आप देख सकते हैं एक लेफ्ट में है और एक राइट में है। इसको हम सेकेंडरी जो कहते हैं, प्राइमरी जो किसको कहते हैं, मैंडिबल को सेकेंडरी जो, और इसको एसेसरी जो भी कहते हैं मैक्सिली को। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर का जो स्ट्रक्चर है इसको हम कार्डो कहते हैं, जो कि अटैच रहता है कहाँ से, इंसेक्ट हेड से। आप देख सकते हैं यहाँ से ये अटैच है इंसेक्ट हेड में, और जस्ट उसके आप नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा स्टेप्स, जो कि किससे अटैच रहता है, कार्डो से। अब कार्डो क्या है, ये आर्टिकुलेट स्क्लेराइट का काम करता है, मतलब मूव करने में हेल्प करता है बाकी आगे के सेगमेंट को। तो आप देख सकते हैं ये स्टाइप से। अब स्टाइप में आप देखेंगे लेफ्ट के लेटरल साइड में एक और सेगमेंट निकला हुआ है जो कि कहलाता है आपका पेल्पी फर। ये आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं पेल्पी फर, ठीक है। और ये पेल्पी फर 5 सेगमेंट में डिवाइड रहता है। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, एक सेगमेंट नहीं बना यहाँ पे होगा, ये 5 सेगमेंट। तो ये आपको नंबर याद रखना, ये 5 सेगमेंट में डिवाइड रहता है क्या, पेल्पी फर। और पेल्पी फर में क्या पाया जाता है, इनमें पाया जाता है पेल्पस। आप देख सकते हैं ये है इनका पेल्पस। तो पेल्पस जो है ये इसको हम मैग्जिलरी पेल्प भी कहते हैं। और इनका मेन काम क्या होता है, ये सेंस ऑर्गन का काम करते हैं, मतलब परसेप्शन ऑफ टच का काम करते हैं, ये स्मेल का काम करते हैं, और सम टाइम ये टेस्ट में भी फूड टेस्ट में भी हेल्प करते हैं। अब बाकी के जो नीचे के दो पार्ट हैं अब इसको अपन देख लेते हैं। पहला जो पार्ट होता है इधर का, इसको हम कहते हैं गेलिया, और ये वाला पार्ट है जो आपका ये कहलाता है लेसिनिया। अब आप लेसिनिया में देखेंगे छोटे छोटे टीथ लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैग्जिली जो रहता है वो लेटरल साइड से सपोर्ट करता है फूड को होल्ड करने में, ताकि मैंडिबल्स उसमें एक्ट कर सके। अब अपन देखते हैं लेबियम या लोअर लिप। देखा जाए तो जो लेबियम स्ट्रक्चर होता है वो कंपोजिट स्ट्रक्चर होता है, और इसमें 3 मेन स्क्लेराइट पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपका सब मेंटम हो गया, ये आपका मेंटम हो गया। अब इसके बाद नीचे का स्ट्रक्चर आप देखिए, ये आपका स्ट्रक्चर कहलाता है प्री मेंटम। जस्ट मेंटम के नीचे वाला जो पार्ट है ये पूरा, ये आपका स्ट्रक्चर कहलाता है प्री मेंटम। प्री मेंटम में आप देख सकते हैं यहाँ पे लेटरल साइड में स्ट्रक्चर निकला हुआ है ये, इसको हम कहते हैं लेबियल पल्प। इसको हम सिंगुलरली कहते हैं पेल्पस। जो लेबियल पल्प है वो 3 सेगमेंट में डिवाइड रहता है। तो आपको याद रखना है ये मैक्सिली जो है 5 सेगमेंट में डिवाइड रहता है। अब आप देखेंगे ये लोब लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको हम कहते हैं पैराग्लोसा। अब पैराग्लोसा के अंदर आप देखेंगे दो और स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ये आप देख रहे हैं, दोनों पैराग्लोसा को जोड़ने का काम करते हैं, इन्हें हम कहते हैं ग्लोसा। ग्लोसा जो रहता है वो एक साथ अटैच होके एक साथ जुड़ के क्या बनाता है, लीग्यूला, ठीक है, ये नीचे में आप देख रहे हैं। तो बाकी लेबियम का मेन फंक्शन क्या होता है, ये गस्टेटरी सेंस ऑर्गन का काम करते हैं, मतलब ये टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब 6 नंबर आपका हाइपोफेरिंग्स, जो कि टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये रहा हाइपोफेरिंग्स, जो कि सेंट्रली लोकेटेड होता है। जो सलाइवरी ग्लैंड है, जो सलाइवरी ग्लैंड का डक्ट है वो ओपन होता है किसके थ्रू, हाइपोफेरिंग्स के थ्रू, जिससे कि सलाइवा सिक्रेशन हो सके। तो ये था ओवरऑल आपका बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। तो दूसरा जो है आपका सकिंग एंड हाउसलेट टाइप ऑफ माउथ पार्ट है, जिसको सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, जिसका एग्जाम्पल प्लांट बग्स एंड मॉस्क्यूटो थे। तो इनका भी जो बेसिक स्ट्रक्चर है माउथ का वो भी थोड़ा डिफरेंट है, इस कारण इसको भी डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरी में। पहला जो है आपका हेमिप्टेरस, जिसको अपन बग टाइप भी कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल है प्लांट बग्स। आप देख सकते हैं ये एसेसियन बग है, और इसका जो माउथ का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का होता है। इसको हम कहते हैं बीक, बीक मतलब क्या होता है, चोच के आकार का। इसमें आप देख सकते हैं ये रहा ट्रेंगुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, तो ये कहलाता है आपका लेब्रम। अब आप देख सकते हैं जो बीक है वो 4 सेगमेंटेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4 सेगमेंटेड है। अब इसी को हम कहते हैं मॉडिफाइड लेबियम, तो यही है आपका लेबियम कहलाता है, ठीक है, जो नीचे की ओर है। यहाँ भी आप देख सकते हैं डायग्राम में, मैंने 2-3 डायग्राम दिखाया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये डायग्राम देख के क्लियरली समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टाइलेट्स की, जिसको हम फेस्किकल भी कहते हैं। तो ये 4 स्टाइलेट्स इनमें प्रेजेंट होता है। अब ये स्टाइलेट क्या है आपका, स्टाइलेट समझिए आप, लॉन्ग सिलेंडर स्केलरोटाइज हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके जो टिप में क्या प्रेजेंट होता है, माइन्यूट टीथ प्रेजेंट होते हैं, जो कि पियर्सिंग करने में काम आते हैं, मतलब छेद करने में हेल्प करते हैं। अब ये जो स्टाइलेट क्या होता है, ये मैंडिबल और मैक्सिली, ठीक है, इसी का मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम स्टाइलेट कहते हैं। तो इनमें 2 मैंडिबल प्रेजेंट होते हैं और 2 मैक्सिली। अब आप देख सकते हैं ये रहा इनका एक मैंडिबल और एक ये मैंडिबल, इनका एक मैक्सिला और इनका एक राइट मैक्सिला, ये टोटली हो गया 2, 2 प्लस 4, तो इनमें 4 स्टाइलेट प्रेजेंट होता है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है।
और ये सभी हेमिप्टेरन्स जो बग हैं या हेमिप्टेरन्स स्पीसीज के जो इंसेक्ट हैं उनमें ये स्पेशली पाया जाता है। अब इसका हम सेकेंड टाइप देखते हैं, पियर्सिंग एंड सेकेंड टाइप का मॉस्क्यूटो टाइप। तो अब बात करते हैं अपन डिप्टेरस या मॉस्क्यूटो टाइप। इसका एग्जाम्पल है फीमेल मॉस्क्यूटो। और जो मेल मॉस्क्यूटो रहते हैं वो डिपेंड रहते हैं नेक्टर के ऊपर। तो नेक्टर उनको कहाँ से मिल जाता है, फ्रूट से मिल जाता है या फिर प्लांट से मिल जाता है। बाकी जो फीमेल मॉस्क्यूटो रहती हैं वो ह्यूमन ब्लड के ऊपर डिपेंड होती हैं। तो अब हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। पहला जो स्ट्रक्चर है वो है लेबियम। अब आप देख सकते हैं ये रहा इनका लेबियम स्ट्रक्चर। ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सिक्स स्टाइलेट। जिस तरह हेमिप्टेरन इंसेक्ट में फोर स्टाइलेट पाए जाते हैं, इसी तरह इनमें सिक्स स्टाइलेट पाए जाते हैं। ये नंबर आपको याद रखना है, यही एग्जाम में पूछ सकता है। अब जो पहला स्टाइलेट है वो है आपका लेब्रम एपीफेरिंग्स। अब ये स्ट्रक्चर जो है ये आपका लेब्रम एपीफेरिंग्स है। तो ये फूड कैनाल का काम करते हैं, मतलब जो ब्लड सकिंग होता है मॉस्किटो के थ्रू वो इसी कैनाल के थ्रू बॉडी के अंदर जाते हैं। ठीक। अब जो सेकेंड स्टाइलेट है वो आपका हाइपोफेरिंग्स, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवरी केनाल। ये स्ट्रक्चर है आपका हाइपोफेरिंग्स। ये क्या करता है, ये सलाइवरी केनाल काम करता है, मतलब सलाइवा सिक्रेट करता है जब ये ब्लड सकिंग करते हैं। तो अब बाकी के बच गए कितने, चार स्टाइलेट, कि जो कि दो मैगजिली होते हैं और दो मैंडिबल्स होते हैं। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये रहा मैगजिला, ये मैगजिला रहा और ये मैगजिला रहा, और ये आपका मैंडिबल, ये मैंडिबल स्ट्रक्चर और एक ये मैंडिबल स्ट्रक्चर। तो ओवरऑल टोटल मिला के सिक्स स्टाइलेट हो गए। तो यही नंबर आपको याद रखना है। फूड अपटेकिंग करने का तरीका कैसा है वो अपन देखते हैं। तो पहले क्या करते हैं, ये एनेस्थेटिक देते हैं अपने सलाइवा के थ्रू, ताकि हमको पता ना चले कि हमको ये काट रहे हैं। ठीक है, पहले ये काम रहता है। ये अपना मैंडिबल्स मैगजिली को एक साथ अटैच करके, देखिए ये जो मैगजिली है या मैंडिबल है, इनके टिप में बहुत छोटे छोटे माइन्यूट टीथ प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करने का काम करते हैं, पियर्सिंग करने का काम करते हैं, छेद करने का काम करते हैं। ठीक है, तो जब हमको एनेस्थेटिक दे दिया जाता है तो हमको पता नहीं चलता है, और ये होल करते हैं और ब्लड को खींचना स्टार्ट करते हैं। जब ये ब्लड सकिंग करते हैं तो अपने सलाइवा के थ्रू एंटी कोआगुलेंट रिलीज करते हैं। अब ये क्या काम करता है, ये जो ब्लड में बनने वाले थक्के होते हैं, ठीक है, जो ब्लड क्लोटिंग होता है ये रोकता है। और इसमें जो लेबियम पार्ट है वो बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होता है किसमें, पियर्सिंग में, मतलब ये इनका बिल्कुल रोल नहीं होता है। ये बस इनक्लोज करके रखते हैं बाकी के जो सिक्स स्टाइलेट को। ठीक है, और जो मैगजिलरी पल्प ये प्रेजेंट होता है आप देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह इनका स्ट्रक्चर होता है। अब बात करते हैं अपन सेकेंड कैटेगरी, च्यूइंग एंड लेपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, जिसका एग्जाम्पल है हनी भी। इनका जो लेब्रम होता है जो कि यहाँ प्रेजेंट होता है, और मैंडिबल जो कि इधर प्रेजेंट होता है। तो ये क्या काम करते हैं, ये बाइटिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट का काम करते हैं। अब ये किस तरह, क्योंकि ये देखिए ये जो आपका मैंडिबल है इनमें कम धार होता है, ठीक है, ये ब्लंट होते हैं, टूथेट नहीं होते हैं, इनमें टूथ प्रेजेंट नहीं होता है। इनका जो कॉम्ब होता है या इनका जो छत्ता होता है वो वैक्स का बना होता है। ठीक है, तो उसको क्रश करने में और उसको शेप देने में क्या करते हैं, ये मैंडिबल्स हेल्प करते हैं। बाकी के जो पोलन ग्रेन्स हैं ये भी मैंडिबल उनको रखने का काम करते हैं। बाकी और अदर मैनिपुलेटिव फंक्शंस होते हैं इनके में। तो मैगजिली, लेबियम और हाइपोफेरिंग्स जो हैं ये मिल के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं सकिंग प्रोबोस्किस। सकिंग प्रोबोस्किस जो होता है, जो लिक्विड नेक्टर होते हैं, ठीक है, उनको इनटेक करने में। अब आप नीचे की ओर देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको छोटा सा, ये कहलाता है ग्लोसा, जो कि हेयरी स्ट्रक्चर होता है। तो जो ग्लोसा रहता है वो क्या काम करता है, वो स्पून के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है ताकि जो नेक्टर है उसको ये लीक कर सके। अब नेक्टर क्या होता है, शुगर रिच लिक्विड होता है। तो ये आपको याद रखना है, और ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि इसको फ्लेबलम कहते हैं या स्पून कहते हैं या बटन भी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन रेस्पिंग या सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। ठीक है, रेस्पिंग या सकिंग टाइप माउथ पार्ट। तो इसका एग्जाम्पल है थ्रिप्स। अब इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग टाइप का होता है, डिफरेंट टाइप का होता है। इनमें ओनली थ्री स्टाइलेट पाए जाते हैं, जो कि दो मैगजिली और एक लेफ्ट मैंडिबल से बना होता है। राइट मैंडिबल अब्सेंट होता है, इस कारण हम इसे क्या कहते हैं, ए सिमेट्रिकल टाइप ऑफ माउथ पार्ट। तो राइट मैंडिबल अब्सेंट होता है, ये आपको याद रखना है। और स्टाइलेट जो इनके रहते हैं ये लेसरेट करने में हेल्प करते हैं। लेसरेट मतलब खुरचने का काम करते हैं। आप देख सकते हैं ये लिप्स हैं, लिप्स के जो ऊपर वाली एपिडर्मिस से ये क्या करते हैं, खुरचते हैं, और जो उसमें से सैप निकलता है, ठीक है, जो ओजिंग सैप होता है, इसको क्या करते हैं, ये सक कर लेते हैं अपने माउथ कोन से। आप देख सकते हैं इनका जो जो माउथ का स्ट्रक्चर है वो कोन लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि इनको सकिंग करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। इसका एग्जाम्पल है हाउस फ्लाई। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर भी थोड़ा डिफरेंट होता है, ये अपन जानने की कोशिश करते हैं। अब जैसे हमने देखा जो हनी बी में उनका जो माउथ स्ट्रक्चर था, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोबोस्किस। प्रोबोस्किस एक्चुअल में किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, समझिए जो हाथी है, हाथी का जो अपना ट्रंक देखा होगा, सूंड देखा होगा, ये वो क्या करते हैं, वो पानी को सक करते हैं अपने सूंड के थ्रू, अपने ट्रंक के थ्रू। तो इसी तरह इनका जो प्रोबोस्किस है वो भी इसी तरह काम करता है। ठीक है,
तो इनका जो प्रोबोस्किस आप देख सकते हैं, इनमें लेबियम प्रेजेंट होता है जो कि ग्रूव्ड होता है एंटीरियर सरफेस पे। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये इनका लेबियम स्ट्रक्चर है जो कि ग्रूव्ड है एंटीरियर सरफेस पे, मतलब अंदर नली के आकार का है। और भी ये जो ग्रूव है वो कहाँ लाई होता है, लेब्रम एपिफेरिंग्स पे जो कि इनक्लोजिंग द फूड केनाल। अब ये रहा इनका लेब्रम एपिफेरिंग्स जो कि फूड केनाल का निर्माण करता है, ठीक है। अंदर में इनके फूड केनाल प्रेजेंट होता है जो कि क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं अपने बॉडी में। अब बीच में आप देख रहे हैं जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कहलाता है इनका हाइपोफेरिंग्स जो कि स्लाइवरी केनाल काम करते हैं, जो कि स्लाइवा सिक्रेट करते हैं यहाँ से। अब मैंडिबल बिल्कुल इनमें अब्सेंट होता है। जो मैगजिली होता है वो रिप्रेजेंट करते हैं मैगजिलरी पल्प से जो कि सिंगल सेगमेंटेड होता है, आप देख सकते हैं ये प्रेजेंट है वन पेयर। और लास्ट में आप देखेंगे जिनका प्रोबोस्किस है काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो जो स्यूडो ट्रेकिया स्ट्रक्चर है ये क्या काम करता है, ये फूड को कलेक्ट करता है, जो ये कैपिलरी कैनाल्स हैं इनमें कलेक्ट करता है, ठीक है। जो स्पॉन्ज लाइक आप देख रहे हैं टू लोब जो बना हुआ है इसको अपन लेबेलम कहते हैं या लेबेला कहते हैं। और ये सक्शन पैड्स का काम करता है, मतलब ये लिक्विड फूड को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब बात करें अगर सॉलिड फूड है तो सॉलिड फूड को ये कैसे इंटेक करते हैं, इनके सलाइवा में कंटेन होता है क्या एंजाइम जो कि ये स्पिट करते हैं सॉलिड फूड पे, मतलब सॉलिड फूड पे ये स्पिट किए तो थोड़ा सा लिक्विफाई हो गया और ये क्या किया उसको एब्जॉर्ब कर लिया या सक कर लिया। तो ऐसे काम करता है हाउस फ्लाई का माउथ पार्ट का। फिफ्थ सिफोनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट जो कि मोथ्स एंड बटरफ्लाईज में पाया जाता है, ठीक है। इनका जो माउथ पार्ट रहता है वो इलोंगेट सकिंग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम क्या कहते हैं प्रोबोस्किस। ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर ये कहलाता है गेलिया। तो ये क्या करते हैं अपने मैगजिली के जो दोनों गेलिया को अटैच करते हैं किसके थ्रू, स्पाइन और हुक के थ्रू, जो कि इंटरलॉक हो जाता है और एक इलोंगेट ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। इसी के थ्रू ये क्या करते हैं नेक्टर सक करते हैं जो कि बीच में इन्हें प्रेजेंट होता है फूड केनाल, और इसी के थ्रू नेक्टर इनके माउथ के थ्रू अपटेक होता है जो कि बॉडी में जाता है। और जब भी अपना प्रोबोस्किस यूज़ नहीं करते हैं तो क्या करते हैं इसको क्वाइल्ड करके अपने हेड के नीचे रखे रहते हैं, ठीक है। और जब इनको यूज़ करना होता है तो इनका क्या होता है जो ब्लड का पंपिंग होता है, तो ब्लड का पंपिंग होते ही क्या करते हैं ये तुरंत ओपन हो जाते हैं, ठीक है, जब इनको नेक्टर सक करना रहता है। तो इस तरह काम करता है मोथ या बटरफ्लाई का माउथ पार्ट। और मैगजिलरी पल्प की बात करें तो प्रेजेंट होता है और लेबियल पल्प भी प्रेजेंट होता है। मैगजिलरी पल्प जो कि थोड़ा स्मॉल होता है और लेबियल पल्प थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन द लास्ट अदर टाइप मैंडिब्यूलो सेक्टोरियल टाइप ऑफ माउथ पार्ट जो कि एंड टू एंड के ग्रब में प्रेजेंट होता है। इनका जो मैंडिबल्स रहता है वो इलोंगेट और सिकल शेप का होता है, आप देख सकते हैं इलोंगेट है और सिकल शेप है, जो कि ग्रूव्ड रहता है, ग्रूव मतलब ऐसे नली के आकार का बना हुआ होता है, ठीक है, ग्रूव मैंडिबल। अब मैगजिला की बात करें वो भी इलोंगेट रहता है, ये देख सकते हैं ये इनका मैगजिला। और ये कहाँ फिट होता है, ये इनका जो मैंडिबल ग्रूव है ये आप देख रहे हैं ना यहाँ पे ये प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है, मतलब ये इसको बाहर निकालता है और ये अंदर रख लेता है। तो ये एक तरह से ये फूड कैनाल का काम करते हैं जहाँ से इनका जो फूड है लिक्विड जो फूड है ये यहाँ से इनटेक करते हैं जो कि इनके बॉडी में जाता है। तो एंटलॉन क्या करता है, एंट को मारने के लिए एक ट्रैप बनाता है, ठीक है, ट्रायंगल स्ट्रक्चर लाइक ट्रैप बनाता है जो कि ये नीचे में प्रेजेंट होते हैं और अपना माउथ पार्ट बस बाहर निकाले रखते हैं। तो जब एंट यहाँ पे आता है तो क्या होता है जस्ट नीचे गिर जाता है और वो ऊपर बिल्कुल नहीं चढ़ पाता है। तो ये क्या करते हैं तुरंत अपने मैंडिबल्स का यूज़ करके उनको कैच कर लेते हैं, और इनके मैंडिबल्स में आप देखेंगे छोटे छोटे टीथ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इंजेक्ट करते ही उनका फ्लूड्स बाहर जाता है, एक्सट्रैक्ट हो जाता है, जो कि ये क्या करते हैं इसको सक कर लेते हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये सकिंग भी करते हैं और बाइटिंग भी करते हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ही कंपोजिट स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, मैंडिब्रो सेक्टोरियल टाइप ऑफ माउथ पार्ट। तो ये था दोस्तों इंसेक्ट माउथ पार्ट, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, बाकी जिनको नहीं पता उनको प्लीज़ शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।